नेताजी सुभाष चंद्र बोस के किस्से की रागनी आप सभी के बीच में रखूंगी। मौका हवाला वहां से होगा प्रेमी श्रोताओं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक भटियारी के पास रुके हुए थे। भटियारी के मन में लालच आ गया और जब जिस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस सो रहे थे तो नेताजी को मारने की कोशिश करती है भटियारी। जैसे ही छुरा उठाया और मारने की कोशिश की तो नेताजी की आंख खुल गई और भटियारी का कस के हाथ पकड़ लिया नेताजी ने और न्यू कहने लगे कि धोखा दे के परदेसी ने डाटिया ना करते और घर आए मानस के सर ने काटिया ना करते। अरे इंसान के घर पे अगर कोई दुश्मन भी आता है तो वो भी उसका आदर सत्कार करता है, फिर मैं तो परदेसी हूँ, मुझे क्यों मारना चाहती है। अरे दो दिन झीके खाएगी फिर ऐसे ही भूखी मरेगी जैसे आज भूखी मर रही है। और मुझे मारना चाहती है बेशक मार दे, लेकिन मुझे मारने के बाद ऐसे पछताएगी जैसे लक्की बंजारा अपने कुत्ते को मार के पछताया था। हाथ से छुरा गिर गया भटियारी के और न्यू कहने लगी कि भाई मैं तुझे नहीं मारूंगी, पर मुझे न्यू बता कि कौन वो लक्की बंजारा था और कौन वो कुत्ता था और उस बंजारे ने उस कुत्ते को क्यों मारा। इस रागनी के माध्यम से लक्की बंजारे का पूरा हवाला दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। सुनते हैं क्या लिखा दादा लक्ष्मीचंद जी ने। हे हम छतरी राजपूत जात के हो मारते फिर रोवेगी बंजारे की ढाला। इब मारते फिर रोवेगी उस बंजारे की ढाला। हम छतरी राजपूत जात के मारे नहीं मरण का टाड़ा। इब मारते फिर रोवेगी उस बंजारे की जिसके सब तेला बलारा। ओ 352 सर की जिसके सब तेला बलारा। हर सारे के वो पणज करे था मोटा था सहुकारा। बालकपन में एक पाल्या कुत्ता जो लगे जानते है प्यारा। बालकपन में एक पाल्या साहूकार था वो बंजारा।
लेकिन जब समय खराब आता है तो बता कर नहीं आता प्रेमी श्रोताओं कि समय खिलाए खेल ये मनुष्य रोता है और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। समय खराब हो गया लक्की बंजारे का, टोटा आ गया लक्की बंजारे के, लाहौर शहर को छोड़ के चल देता है। चलते चलते भूखा प्यासा आगरा शहर में पहुंच जाता है। आगरा शहर में जैसे ही बंजारा पहुंचा तो एक लाला जी के पास पहुंचता है। आगे क्या होती है उस बंजारे के साथ में क्या बताया दादा ने। लाहौर शहर ते बंजारे ने अपना टांडा ठाया, कई रोज हुए चलते चलते फिर शहर आगरे में आया। कई रोज हुए चलते चलते फिर शहर आगरे में आया। हर डलती फिरती छाया हो से टोटे ने घना सताया, एक लाला पे आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया। एक लाला पे आके उसने अपना कर्ज कढ़ाया। फिर 20,000 रुपए लेके दिया, 20,000 रुपए लेके दिया, कुत्ता छोड़ रुखाड़ा। वो हिम मारे थे फिर रोवेगी बंजारे की डाड़ा, हिम मारे थे फिर रोवेगी उस बंजारे की डाला। आगरा शहर में वो बंजारा एक लाला जी के पास पहुंचा। लाला जी से कहने लगा कि लाला जी वक्त का मारा हो, मुझे 20,000 रुपए का कर्जा चाहिए आपसे। मैं वादा करता हूँ कि जब मेरे पास 20,000 रुपए हो जाएंगे तो आपके 20,000 रुपए ब्याज सहित वापस करके जाऊंगा। लाला जी ने कहा कि तू एक बंजारा है, तेरा कोई ठिकाना नहीं है, तू परदेसी इंसान है। अरे तू मेरे पैसे लेके भाग गया तो, तूने समय पे मेरे पैसे नहीं दिए तो बंजारा अपने उस कुत्ते को लाला जी के यहाँ गिरवी रख देता है कि लाला जी मैं वादा करता हूँ कि जब तक आपके 20,000 रुपए और उसका ब्याज मेरे पास नहीं होगा, जब तक ये मेरा कुत्ता तेरे पास गिरवी रहेगा, और जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे मैं अपने कुत्ते को छुड़ा कर ले जाऊंगा। लाला जी इसको कुत्ता मत समझना, इसको बेटा समझना, क्योंकि इसको कुत्ता समझ के नहीं पाला मैंने, अपना बेटा समझ के पाला है। लाला जी के पास उस कुत्ते को छोड़ के चला गया। लाला जी ने 20,000 रुपए दे दिए। कुछ दिन बाद लाला जी के घर में चोर घुस जाते हैं प्रेमी श्रोता, आगे क्या होता है क्या बताया। चोरी होगी 1 साल में, चोरा ने जब धन लुटिया वो कुत्ता खड़ा गाल में। ओ चोरा ने जब धन लुटा वो कुत्ता खड़ा गाल में। हर चोरा ने धन लूट लूट के जाता प्या एक ताल में, दिन लिकड़िया जब पीली पट्टी वो कुत्ता लाया माल ने। दिन निकड़ा जब पीली पट्टी वो कुत्ता लाया माल ने। हर लाला जी तेरा जी हो गया, लाला जी तेरा जी हो गया, जब तमड़ी तलक संभाला वो हिम मारे थे फिर रोवेगी उस बंजारे की डाला। हिम मारे थे फिर रोवेगी बंजारे की डाला।
लाला जी के घर में चोर घुस गए। प्रेमी श्रोताओ, कुत्ते ने यह सोचा कि अगर तू लाला के परिवार को जगाएगा या लाला को जगाएगा तो ये चोर मुझे खतरनाक लगते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये लाला और लाला के परिवार को खत्म कर दे। कुत्ते ने बड़ी होशियारी से काम लिया, उन चोरों का पीछा किया। गांव से बाहर जाके एक तालाब के अंदर उस चोरों ने लाला के धन को छुपा दिया और कुत्ते ने देख लिया कि इन चोरों ने इस जगह पे इस माल को छुपाया है। सुबह हुई, दिन निकला, लाला जी को पता चला कि तेरी पाई पाई चोर काट के ले गए। चिल्लाने लगा कि हाय राम, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी जीवन भर की कमाई चोर काट के ले गए। जब ऐसी हालत अपने लाला जी की उस कुत्ते ने देखी तो लाला जी की धोती को खींचना शुरू कर दिया, जोर जोर से भौंकने लगा, धोती को खींचना शुरू कर दिया। लाला जी समझ गए कि जरूर ये कुत्ता कुछ कहना चाहता है। कुत्ता आगे आगे और लाला जी पीछे पीछे। वो कुत्ता लाला जी को वहीं ले जाता है जहां उन चोरों ने उस लाला जी के माल को छुपाया था। उस जगह पे अपने पंजों से मिट्टी को हटाने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। लाला जी ने सोचा कि जरूर यहाँ कुछ है जो ये कुत्ता मुझे बताना चाहता है। दो चार आदमियों को बुलवाकर वहां से खुदवाया तो लाला जी की पाई पाई वापस मिल गई। प्रेमी श्रोताओ, लाला जी बड़ा राजी हो गया कि वाह रे कुत्ते वाह, अरे आज के समय में अपना बेटा ऐसा फर्ज नहीं निभाता जो तेने अपना फर्ज निभाया। मैं खुश हूँ और अब तू आजाद है, तू अपने मालिक के पास जा सकता है। तेरे मालिक के 20,000 रुपए भी उतर गए और उसका ब्याज भी उतर गया। कुत्ते के गले में एक चिट्ठी लिख कर बांध देते हैं लाला जी कि बंजारे तू सही कहता था, ये कुत्ता नहीं, अरे ये तो बड़ा वफादार है। अब तेरा कोई पैसा नहीं है, तुझे कोई कर्ज नहीं उतारना। इतना चिट्ठी में लिखकर कुत्ते के गले में बांध दिया और कुत्ते को अपने मालिक के पास रवाना कर दिया। कई रोज हो जाते हैं कुत्ते को चलते चलते, उधर बंजारा बैठा हुआ है, सोच रहा है कि जो मैंने टाइम लाला से मांगा था उससे ऊपर टाइम हो गया। अरे कहां से 20,000 रुपए दूं और कहां से ब्याज दूं, कैसे अपने कुत्ते को उस लाला जी के यहां से छुड़ा के लाऊं। उस कुत्ते को भी अपना मालिक दिख जाता है, बड़ा खुश हो रहा है कुत्ता के बड़े दिन के बाद अपने मालिक के पास पहुंचूंगा। लेकिन जब बंजारे की नजर उस कुत्ते पे पड़ी तब बंजारे ने दूर से ही देखा कि एक तो किस्मत ने मेरे साथ खेल खेला है और ये कुत्ता भी मेरा साथ छोड़ गया। कहते हैं कि वक्ते नूर को बेनूर बना देता है, जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मैं मजबूरियों से गुजरूं, लेकिन ये जो वक्त होता है ये इंसान को मजबूर बना देता है। बंजारे ने सोचा कि इस कुत्ते ने भी वक्त के साथ तेरा साथ छोड़ दिया, ये भी गद्दारी करके लाला के यहाँ से भाग आया। बिना सोचे समझे अपना कट्टा उठाकर उस बंजारे ने कुत्ते को गोली से मार दिया। कुत्ते के पास पहुंचा वो बंजारा, उसके गले में चिट्ठी बंधी हुई थी, उस चिट्ठी को खोल के बंजारे ने पढ़ा तो बताते हैं प्रेमी श्रोताओं कि जब चिट्ठी बंजारे ने पढ़ी थी तो खून के आंसू रोए थे। इस रागनी में एक सीख भी दी है दादा लक्ष्मीचंद जी ने कि इंसान को कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे पछताना होगा जैसे लक्की बंजारा अपने कुत्ते को मार के पछताया था। अंतिम लाइनों में दादा ने क्या तोड़ किया रागनी का क्या बताया। सात दस रोज चलिया फिर मिलिया उसे बन जा रहा। पांच सात दस रोज चला फिर मिला उसे बन जा रहा। फिर बन जा रहे नहीं ने जान के वो कुत्ता जीते मारा। गले में बंधी चिट्ठी देखी हाथ फिर पुचकारा। गले में बंधी चिट्ठी देखी हाथ फिर